डॉक्टर इदरीस साहब, अमरोहा के लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल कोरोना महामारी इस तरीके से फैल रही है कि रोज़ाना हमारे सामने कुछ ना कुछ हादसा ऐसे आ रहे हैं कि डेथेज बढ़ती चली जा रही हैं। और अमरोहा के लोगों से मेरी न मानने की वजह यह है, क्योंकि जागरूकता कम है अमरोहा के लोगों के अंदर, और अमरोहा शहर में किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक एक चौराहे पर इस तरीके से लोग जमा होते हैं, ख़ास करके अमरोहा के अंदर। और जैसे हम पुलिस अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, बेमकसद बाहर निकलते हैं और इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। कोरोना के लगातार मामले बढ़े हैं और अमरोहा में भी काफ़ी डेथ हो चुकी हैं, लगभग 13 से ऊपर केसेस हैं हमारे अमरोहा में, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं, केसेस बढ़ने की वजूहत ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च के महीने से और लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो हमने और हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया, और काबू इतना पाया कि कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। लेकिन एकदम से बढ़ने की वजूहत ये है क्योंकि हम लोग बेफिक्र हो गए। अब जैसे केसेस तो ख़त्म नहीं हुए थे, कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग बेफिक्र हो गए और अपने काम में, और इस तरीके से हम सार्वजनिक जनों पर जगहों पर जाकर के अपना इकट्ठे होने लगे और बेफिक्र हो गए। अब उसी में से अगर एक दो कैंडिडेट अगर पॉजिटिव भी रहे होंगे तो इस तरह से वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिटेड होकर के वो एक जगह से ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होकर के वो इतने विकराल रूप अपना अब हासिल कर लिया है, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे सामने मौजूद है। मेरी यही गुजारिश है कि आप बेमकसद घर से बाहर नहीं निकलें, अगर कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत के मुताबिक आप अपने घर से बाहर जाएं, और बाहर से आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोएं, और धोने के बाद अब मास्क लगाएं और घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं और कैजुअलिटीज़ भी कम हो सकती हैं। जी, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही जनता को कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत हमारी ज़िंदगी में, भाई हमने तो कभी देखा नहीं था इस तरीके का, क्योंकि हम भी मेडिकल में, हमें भी आए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में हमने पढ़ा ज़रूर था कोरोना के बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसकी वजूहत ये कि अब लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो बेमकसद घर से बाहर जो निकल रहे हैं और नहीं निकलें, और मस्जिदों के अंदर भी मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा मास्क वगैरह लगा करके अपनी इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बीमारी तो एक बीमारी है और बीमारी से बचने के लिए भी कहा है, तो इसका भी सोचते हुए अपने अपने घरों से कम निकलें, अपने बेमकसद बच्चों को बाहर नहीं निकालें, और अगर कोई ज़रूरत की चीज़ भी लानी है तो एक कैंडिडेट बाहर जाए और वो अपना सामान लेकर के अपने कारोबार से लगे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। और दुकानदारों से भी मेरी गुजारिश है अमरोहा के खास करके कि मास्क लगवाएं, अपने दुकानों के अंदर सैनिटाइज रखें, सबको सैनिटाइज कराएं, और पैसा या फिर रुपए भी अगर ले रहे हैं तो अपने ग्लव्स पहन करके अपने पैसों को अपने लें, डायरेक्ट नहीं लें, और सैनिटाइज का ख्याल रखें, यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हम लोगों को सबको महफूज रखे, हमारे देश को महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे देश की इस दुनिया में इज्जत रखे और इस बीमारी को हमारे देश से बाहर निकाले। आमीन।